हरे कृष्णा दोस्तों। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे भाई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि असामरिक बस में जो इंग्लिश का जो सिलेबस है उन्हें बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का नाम बताइए सर, कि जिसको हम लोग पढ़ के इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो असामरिक बस के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ, असामरिक बस SSC GD से रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। इन दोनों का भी जो भी प्रिपरेशन करते होंगे वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा जानकारी मिलेगा और बहुत मेहनत किया तब जाकर ये मुझे टॉपिक मिला है। और इन सभी को और इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा, आप प्रिपरेशन कीजिएगा तो 100% आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर होगा, चाहे आप असामरिक बस का प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप SSC GD 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हो। देखिए, जो भी असामरिक बस या SSC GD का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, असामरिक बस को रिगार्डिंग मैं मैक्सिमम लेकर बता रहा हूँ इन दोनों को रिगार्डिंग। तो देखिए, इनमें आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इंग्लिश में आपको स्कोर करना ही पड़ता है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इंग्लिश में स्कोर करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो आपको बता दूँ कि असामरिक बस में, अगर आप असामरिक बस के बारे में बता दूँ तो असामरिक बस में जो रिटर्न एग्जाम होता है उसमें आपका ट्रेड्समैन या टेक्निकल जीत का भी रिटर्न एग्जाम होगा, उसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स के रहेंगे और आपका टोटल जो एग्ज़ाम का टाइम होता है वो 2 घंटे का रहता है। ठीक है, उसमें सेक्शनल कोई टाइम नहीं रहता, उसमें फुल टोटल आपको टाइम चारों सेक्शन को करने में 2 घंटे टाइम मिलता है। तो एक सेक्शन में तो आपका आधा घंटा समझ ही लो, आधा घंटे एक सेक्शन में आप आधा घंटा भी ले सकते हो ईजिली। ठीक है, तो आपका जो टाइम रहता है 2 घंटा, वही अगर SSC GD 2025 के बारे में बात की जाए SSC GD के एग्ज़ाम में तो उसमें आपका टाइम रहता है, आपका टाइम रहेगा 1 घंटा और आपका 80 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश का आपका 25 को इंग्लिश का आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। तो इंग्लिश का 20 क्वेश्चन में इन सभी टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लोगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो 100% आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर होगा। चलिए आज हम बात करते हैं फिर उन सब टॉपिक के बारे में। देखिए, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूँ, जो भी SSC GD असामरिक बस या फिर ट्रेड्समैन 2024 का जो सिलेबस है उसके बारे में ही बता रहा हूँ आपको, सिलेबस नहीं है ये, मैंने आपका जो सबसे मेन स्कोरिंग टॉपिक है इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ। इंग्लिश में सबसे पहले आपको करना होगा सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन अगर आप अच्छे से कर ले रहे हो ना, सब्सटीट्यूशन अगर आप करोगे अच्छे से अगर आप इसमें स्कोर करोगे तो आपका 100% सिलेबस सब्सटीट्यूशन से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं लगभग। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन से आपको देखने को मिलेंगे, सब्सटीट्यूशन बहुत ही अच्छा आपका पार्ट है इंग्लिश का। उसके बाद आपका प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स भी आपको करना होगा। आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन से भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में, SSC GD का भी एग्जाम है चाहे असामरिक बस का रिटर्न एग्जाम होगा उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। देन आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन को भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, उसमें आपका अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इसमें। फिर उसके बाद है स्पॉटिंग एरर भी बहुत ही हर ऐसे इंग्लिश का एग्जाम हो और स्पॉटिंग एरर ना है ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो स्पॉटिंग एरर पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्पॉटिंग एरर के लिए आप लोग मिरर ऑफ कॉन्सेप्ट से क्लियर कर सकते हो इंग्लिश में, मिरर ऑफ कॉन्सेप्ट नियोन क्लासेस का, या फिर आप लोग वहाँ से नीतू मैम का बुक आता है, नीतू मैम का बुक से भी आप लोग कवर कर सकते हो इसको। देन आता है सेंटेंस एग्रीमेंट, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट से भी आपके क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं मैक्सिमम से, जितने भी टॉपिक नाम बताया ना इनसे 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं इन सभी टॉपिक से। ठीक है, तो सेंटेंस अरेंजमेंट भी आप लोग नीतू मैम का बुक से कर सकते हो। एक्टिव और पैसिव वॉयस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। देखिए, एक्टिव और पैसिव वॉयस में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, 2-3 रूल है, उस रूल को अगर समझ गए आप लोग अपने दिमाग में बैठा लिए तो आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉयस ईजिली क्लियर हो जाएगा। देन आता है सिंटोनिम्स एनोनिम्स, जो कि वोकैब के सेक्शन में आता है। वोकैब के लिए भी आप लोग नीतू मैम का बुक पढ़ सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप लोग ब्लैक बुक जो है BLACK, ठीक है, ब्लैक बुक को आप लोग कवर कर सकते हो। ब्लैक बुक से भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं ब्लैक बुक को ही कवर करता हूँ मैक्सिमम, पहले नीतू मैम को भी कवर किया था, देन अभी ब्लैक बुक को कवर करता हूँ, ब्लैक बुक से वोकैब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद पैरा कंप्लीशन, तो पैरा कंप्लीशन को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पैरा कंप्लीशन भी से भी आपका लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। देन आपका स्पेलिंग टेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेलिंग टेस्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन, कहने का मतलब है 1 से 2 क्वेश्चन ही बहुत सारे क्वेश्चन से रिटन एग्जाम में। ठीक है, देन आता है ज्वाइनिंग सेंटेंस को भी आपको करना होगा, ये एंड बट देन ये सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन आते हैं ईडियम्स फ्रेजेस, फिर ये वोकैब का सेक्शन है, वोकैब के लिए मैंने बताया है आपको कि आप लोग नीतू मैम को भी कवर कर सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है शुरू कर रहे हो तो आप लोग इंग्लिश का ब्लैक बुक से भी आप कवर कर सकते हो, ब्लैक बुक ये रहा। ठीक है, ब्लैक बुक से आप कवर कर सकते हो। देन आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी अगर आप कर रहे हो तो आपको एक्टिव पैसिव वॉयस नरेशन सेंटेंस जो टेंस होता है इसके ऊपर भी अच्छा पकड़ होना चाहिए, देन इसको भी आप इंप्रूवमेंट करोगे कोशिश करोगे तो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, नॉर्मल फिलिंग द ब्लैंक्स से क्वेश्चन आते हैं, 2-1 इससे भी क्वेश्चन रहते हैं आपके,
जैसे एरर करेक्शन, एरर करेक्शन का मतलब वह एरर दिया रहेगा आपको करेक्शन करना होगा उसमें। और लास्ट आता है आपका ओडब्ल्यूएस, ओडब्ल्यूएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला बार आसाम रिपोर्ट का जो रीडिंग था उसमें 20 के 20 क्वेश्चन ही ओडब्ल्यूएस के थे, तो आप सोच सकते हो ओडब्ल्यूएस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओडब्ल्यूएस बहुत ज़्यादा, जो भी वोकैब का जितने भी वोकैब है, ठीक है, इडियम्स फ्रेजेज हुआ, ठीक है, चाहे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हुआ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ये आपको पक्का वोकैब को करना ही पड़ेगा, आपको जो वोकैब है उसको 100% स्कोर करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो वोकैब के लिए कुछ कहा नहीं था, वोकैब अगर आप शुरू कर रहे हो, अगर आपको ज़्यादा टाइम है प्रिपरेशन का, तो आप लोग ब्लैक बुक को कवर कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो आप लोग वोकैब के लिए। और जो भी ग्रामर सीखते हैं उसके लिए नीतू मैम का बुक प्रीफर कर सकते हैं, नीतू मैम का बुक से भी आप इंग्लिश को अच्छे से स्कोर कर लोगे। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो बहुत मेहनत लगता है भाई, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और भी अगर किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर भी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए, और भी अच्छे से कोशिश करूँगा बनाने के लिए इसमें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ कल किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।